हेलो बच्चों, टुडे स्टार्ट टू चैप्टर नंबर 1 क्लास सेकंड डिवीजन वर्क। आपको 1 to 100 नंबर इसको फिलअप करना है। 1 to 100 देखिए जिस तरह से फिलअप कर रखा है वैसे। ओके, ये आपकी। अब जो नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, फिल इन द मिसिंग नंबर्स बाय काउंटिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। यानी दोनों तरह से आपको जो मिसिंग नंबर है उनको आपको फिलअप करना है। देखिए आपकी बुक पेज नंबर वन में जो आपकी बुक है वहाँ आप देखिएगा, ये आपके दे रखा है 51, फिट आपके दे रखा है 52, तो नेक्स्ट आपका क्या आएगा 53। ओके, 53, 54, 55, 56, देखिएगा 56, 57 लिखा हुआ है, नेक्स्ट 58, 59, देन 60। नेक्स्ट आपकी जो लाइन है दे रखी है वो दे रखी है 24 से स्टार्ट है। किससे स्टार्ट है? 24 के बाद में 25, 26, 20 क्या आएगा? 27 हम लिखेंगे, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। नेक्स्ट जो लाइन है आपके 19 से स्टार्ट है। कहाँ से स्टार्ट है देखिए अच्छे से, 19 से। फिर उसके बाद क्या है? 18, 18 यानी ये रिवर्स काउंटिंग है आपकी। तो आप क्या लिखोगे 18 के बाद? 17। क्या लिखना है आपको यहाँ पे? 17, 17, 16, 15, 14, 13, 12, देन 11। देखो लास्ट वाला नंबर क्या है? 10। तो ये आपके रिवर्स काउंटिंग कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट आपके 70 है, तो 71, 72 क्या आएगा? 72 हम यहाँ लिखेंगे, 72, 73, 73, 74, देन 75 लिखा हुआ है, 76, 77, 78, 79। आपकी जो नेक्स्ट रो है वो है 35 से स्टार्ट है। देखिए अच्छे से, 35, 35 के बाद में 36 दे रखा है, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट जो लिखेंगे 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 हो गया और 44। ओके, देखिए फिर नेक्स्ट आपकी लास्ट वाली लाइन है 96 है, फिर 95 यानी रिवर्स काउंटिंग दे रखी है। 95 के बाद में हम यहाँ लिखेंगे 94, 93, 92, फिर 91, 90, देन 89, 88। आपके ये जो फिलअप्स है ये कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट नंबर्स नेम दे रखे हैं, तो आपको नंबर्स लिखने, क्या लिखने हैं? नंबर्स। अब जैसे फर्स्ट में लिखा है आपका 16, कितना लिखा है? 16, क्या लिखेंगे हम आगे? 16। ओके, देन 63, 63, ये आपके नंबर्स लिखे हैं, इनको नंबर्स नेम लिखे हैं तो उनको नंबर्स नंबर्स में चेंज करना है। ओके, 63, 63, फिर 41, 41 क्या हो जाएगा? 41, देन 58, 58,
एट क्या हो जाएगा 58। फिर नेक्स्ट आपके लिखा है 79। कैसे लिखेंगे हम 79। ओके फिर 54 19 19 कैसे लिखेंगे 19 को 37 7 37 कैसे लिखेंगे 37 को 37 28 क्या लिखेंगे 28 44 कैसे लिखेंगे 95। नेक्स्ट आपका दे रखा है 82। हम यहाँ लिखेंगे 82 और लास्ट वाला 100। यानी 100 पर आपको नंबर दे रखे हैं, इसके पीछे क्या लिखना है आपको नंबर्स नेम लिखने के 1111 क्या स्पेलिंग होगी इसकी, नंबर नेम क्या होगा ELEVEN क्या होगा ELEVEN। नेक्स्ट 35 कैसे लिखेंगे THIRTY 30 FIVE 5। नेक्स्ट आपके जो नंबर है 56 50 FIFTY 50 और 6 SIX 6। नेक्स्ट जो नंबर है आपके 72 SEVEN 72 SEVEN 72 नेक्स्ट 49 FORTY 40 NINE 9। नेक्स्ट आपका 18 EIGHTEEN 18। नेक्स्ट 96 NINEY 90 SIX 6। ओके नेक्स्ट आपका लिख रखा है 98 क्या लिखेंगे 98 NINETY 90 EIGHTY NINETY 90 EIGHT 8 98। 44 FORTY 40 FOUR 4 नेक्स्ट 63 SIXTY 60 THRE 3 नेक्स्ट जो आपका नंबर है 27
TWENTY 20 SEVEN 7। आपका जो नेक्स्ट नंबर है 31 THIRTY 30 ONE 1। नेक्स्ट नंबर 59 FIFTY 50 NINE 59। और अब ये लास्ट नंबर 86 EIGHTY 80 SIX 6। Look here carefully. Is it just before 16? यानि इसके किसके पहले है आता है before 16, ठीक है? किसके पहले आता है? Is just before 16, 16 के पहले क्या आता है? 59। तो क्या हो जाएगा? 59 is just before the 60. Next आपका दे रखा है, look carefully in the book, okay? Next is just before 71. कौन आएगा भाई 71 से पहले? 70. Is just before 89. 89 से पहले क्या होगा? 88. Is just before 96. 96 से पहले क्या आएगा? 95. Is just before 32. 32 से पहले क्या होगा? 31. Next जो है आपका 91 is just after. 91 किसके just after आता है? 90 के. किसके आता है? 90 के. 60 is just after 59. क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 59. 49 is just after 48. 57 is just after 56. 83 is just after 84. अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये 46 is just before. 46 के पहले क्या आएगा? किसके पहले आएगा? 47. Okay. Next, 69 is just before 70. 81 is just before 82. आप देख रहे हैं ना, अच्छे से देख लीजिए. Okay. 50 is just before. 50 किसके पहले आएगा? 51. 99 is just before 100 के पहले क्या आएगा? 99. Okay. Then is just after 30. 31. क्या होगा? 31. 94 is just after 93. 70. 80 is just after 79. Or 59 is just after 58. 72 is just after 71. Okay. आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये द नंबर विच कम बिटवीन 81 एंड 83। क्या आएगा बिटवीन नंबर? आप देख सकते हो क्या आएगा यहाँ पे, हम क्या भरेंगे? 82. ओके. 56 कम बिफोर, सॉरी, कम्स बिटवीन किस किस के बीच में आएगा? देखिए यहाँ 55 और 57. नेक्स्ट कम्स बिटवीन
39 and 41 क्या आएगा 40. 99 कम बिटवीन 98 सॉरी क्या होगा 98 and 100. ओके द फर्स्ट जो बॉक्स दे रखा है आपके अंदर ये वाला बॉक्स है अच्छे से देखिए इसमें लिखा है कि इन सर्किल द स्मॉलेस्ट नंबर इन इच रो जो स्मॉलेस्ट नंबर है उनको सर्किल करना है देखिए फर्स्ट रो में सर्किल कर रखा है सेकंड रो में कौन सा सर्किल होगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखिए कौन सा है 7 थर्ड रो में कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है बताइए 21 नेक्स्ट आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 11 और इसमें लास्ट में 31 अब देखिए नेक्स्ट कॉलम देखेंगे हम इन सर्किल द ग्रेटर नंबर इन इच रो ग्रेटर नंबर फर्स्ट में आपका सर्किल कर रखा है 92 सेकंड में कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा देखिए चेक कीजिए 68 थर्ड रो में आपके हो जाएगा 91 और फोर्थ रो में आपका हो जाएगा 87 और नेक्स्ट नंबर आपके क्या हो जाएगा नेक्स्ट रो के अंदर 79 क्वेश्चन आपका जो दे रखा है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर से पहले आपका जो क्वेश्चन है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर आप देखिए जैसे कि फर्स्ट मैंने कर रखा है यहाँ पे जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी संख्या की तरफ जाते हैं उसको हम कहते हैं असेंडिंग जैसे मैंने फर्स्ट में लिखा सबसे छोटी वाली संख्या लिखी पहले यहाँ पे 30 फिर 29 63 75 और 81 अब नेक्स्ट रो में हम देखेंगे क्या दे रखा है सबसे छोटी वाली संख्या 24 उससे छोटी वाली संख्या कौन सी है 39 फिर नेक्स्ट जो संख्या हो जाएगी 45 देन फिर जो उससे छोटी संख्या बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 53 फिर उससे बड़ी संख्या 92 नेक्स्ट रो में सबसे छोटी वाली संख्या स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा 17 फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी आएगी 37 उससे बड़ी संख्या 66 फिर 88 और फिर आपके लास्ट में आ जाएगा 99 नेक्स्ट जो रो में है आपकी संख्या कौन सी आएगी सबसे स्मॉलेस्ट पहले संख्या कौन सी आएगी 46 देन उससे जो बड़ी संख्या है वो 48 उससे बड़ी संख्या 48 से बड़ी संख्या आपकी क्या है 61 देन 68 फिर आपकी जो लास्ट वाली संख्या सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट नंबर इस रो में है वो 70 अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर यानी जो सबसे बड़ी संख्या लेंगे उसके बाद में छोटी और उसके बाद में छोटी इस तरह से हम लेंगे इस रो के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है 95 फिर उससे बड़ी संख्या उससे छोटी कौन सी हो गई आपकी 81 फिर उससे छोटी संख्या 70 फिर उससे छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 75 उससे छोटी संख्या हो जाएगी 57 और सबसे छोटी आपकी संख्या इस रो के अंदर जो है वो है आपकी 28 नेक्स्ट रो के अंदर चलते हैं हम सबसे बड़ी संख्या इसके अंदर कौन सी है ग्रेटेस्ट नंबर 58 उसके बाद वाली जो संख्या है वो 40 उससे छोटी संख्या आपके 36 दे रखी है फिर उससे छोटी संख्या आपके 14 फिर सबसे छोटी संख्या आपकी दे रखी है 8 नेक्स्ट रो के अंदर आपके सबसे जो बड़ी संख्या है वो 77 कौन सी है 77 उससे छोटी संख्या कौन सी है 55 उससे छोटी संख्या 55 से छोटी संख्या 33 फिर 22 फिर
11। ओके, नेक्स्ट सबसे लास्ट वाली रो में हम देखेंगे सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट जो नंबर है वो देखेंगे हम 87। उसके बाद वाली छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी 72, उससे छोटी संख्या 49, फिर उससे छोटी संख्या 23, लास्ट में आपकी जो नंबर है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। आप अपने इन पेजेस को फिलअप कीजिए और इन सबको नोटबुक में भी कीजिए। नेक्स्ट पेज नंबर 11 हम कर लेते हैं। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो लेंगे।